आज 2 दिसंबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने सीखी है, सारे शास्त्रों में तो है लेकिन मुख्य भगवत गीता में लिखी हुई है कि जो भी कर्म करो उसके फल की इच्छा ना रख कर कर्म करो और जो भी कर्म है उसको परमात्मा को अर्पण करो। हम देखते हैं कि हम परमात्मा को, अल्लाह को, ईश्वर को, खुदा को हम बहुत तरीकों से चीज़ें अर्पण करते हैं। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें अर्पण करी जाती हैं। कहीं पर हम अरदास करते हैं, कहीं पर हम आजान करते हैं, कहीं पर हम फल फ्रूट चढ़ा देते हैं सोच करके कि वो खाएंगे, लेकिन उनका तो कोई पेट है नहीं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा या अल्लाह या जीव या ईश्वर या खुदा कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो तुम कर सकते हो कि तुम हर सेकेंड एवर रेडी रह करके हर कर्म करो। मतलब कि कोई आसक्ति ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो, डिटैच होकर के फल की इच्छा बिना रख करके कर्म करो। और ये ना सोचो कि आज जो मैंने किया है उसका मुझे कल कुछ मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल 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 करते करते काल भी खा जाता है। और कल तक वेट करते हुए कि आज मैंने जो कर्म किया उसका कुछ कल मुझे फल मिले, और जब वो नहीं मिलता है तो अंदर जो उदासी आती है वो उदासी हमें संपूर्ण बनने की कगार तक या संपूर्ण बनने की जो हमारी फाउंडेशन तक नहीं पहुंचने देता है। और संपूर्णता तब आती है जब हम एवर रेडी रहते हैं ये सोच करके, ये समझ करके कि आज जो किया वो परमात्मा के लिए किया, अभी जो करने वाले हैं भविष्य में वो भी परमात्मा अर्पण, और जो पहले किया था वो भी परमात्मा अर्पण है। अगर कहीं ना कहीं मैंने किया इसलिए किया ताकि ये मिले, तो फिर हम मुक्ति में नहीं जा सकते क्योंकि हम बंधन में आ गए उस कर्म की, कि मैंने इसलिए किया ताकि इसको फायदा हो, इससे मुझे फायदा हो, मेरे ही लोगों को फायदा हो, फैमिली को फायदा हो, मेरी इनको फायदा हो। लिमिटेशन में आ गए, हम बेहद में नहीं गए। परमात्मा चाहते हैं कि हम बेहद में जाएं, तब जाकर के क्या होंगे हमारे जो छोटे छोटे जो धागे बन जाते ना, इच्छाओं के धागे, ये जो किया है संकल्प चलते रहते हैं, ये किया इसका क्या मिलने वाला है, ये मैंने कर्म किया इसका मुझे क्या फल मिलने वाला है, वहां पर हम अटक जाते हैं। इसलिए मुक्ति कहो या खुदा के पास वापस लौटने का जो समय होता है वो इन्हीं चीजों में फंस करके, इच्छाओं में फंस करके हमें एवर रेडी नहीं बनाता है। तो इसलिए आज परमात्मा कहते हैं कि एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भवा। एक की याद में मन को एकाग्र कर, एक कौन है आप जानते हैं, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। मन मना भव, मन को मना करके भगवान को याद करो। गीता के अक्षर है, भगवत गीता के, और इन्हीं अक्षरों को और भी धर्म वालों ने और ही शास्त्रों में भी इनका वर्णन किया है अलग अलग भाषाओं में से, कि अंतिम समय में मेरी याद आनी चाहिए और किसी की नहीं। इतना भी लिखा है कि अंतिम समय में कोई जब तुम्हारा नहीं होगा उसमें मैं तुम्हारा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, परमात्मा कहते हैं आज की सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। एवर रेडी किस किन 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 चीज़ों में रहना है? एवर रेडी ये भी हो सकता है, इसका मतलब कि ये जो सांस ले रहे हैं अभी वो आखिरी सांस हो सकती है हमारी। कल हो सकता है आप आंखें खोलें और आपको एक नई दुनिया दिखाई दे, संसार में नई न्यूज़ आनी शुरू हो जाए कि बस थोड़ा सा समय रह गया है, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने वाली है, बस ये बॉम्ब छूट गए हैं या बटन दब चुके हैं। और कहीं पर हो सकता है कि कल आप आँख ही ना खोलें, शरीर आपका वहीं का वहीं पड़ा हो और आप बाहर निकल गए। तो परमात्मा कहते हैं एवरेडी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकती है कि कल कोई मुसीबत आ जाए, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल इमोशनल हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे सेहत से रिलेटेड हो। परमात्मा कहते हैं कि क्या तुम एवरेडी हो कि तुम्हें किसी भी समय कोई भी जब दिक्कत आती है तो तुम उसमें घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जितनी भी इच्छाएं रखी थी वो सारी की सारी रुक जाए, आगे बढ़े ही ना, ये भी इस चीज़ के लिए रेडी हो। इतने ख्वाब बना दिए हमने जीवन में, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और परमात्मा कहते हैं कि भाई कल तो अब वापस आने का टाइम आ गया, मुक्ति का टाइम आ गया, नाटक खत्म हो गया, अब क्या करोगे। तो वहाँ जो धागे लगे हुए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, जो धागे बने हुए हमने संकल्पों के धागे ना, ये सारे ये संकल्पों के धागे अगर हमें तोड़ने में मुश्किल हो जाए तो हर चीज़ प्रभु अर्पण करके कर्म करना, हर चीज़ खुदा को, अल्लाह को अर्पण करके कर्म करना, वो सच्चा कर्म है, उसको हक का कर्म कहेंगे, उसको हम कहेंगे सत्य कर्म करेंगे।
निष्काम कर्म करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहें, कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, मतलब कि कंप्लीट, कोई इच्छा नहीं है। जहां इच्छा होती परमात्मा कहते हैं वहां पे अच्छा नहीं बन सकता, वहां पे कंप्लेन बहुत होंगी इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, उसने अगर किया होता टाइम पे तो अच्छा होता, ये क्यों नहीं मेरी बात मानता है, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए था, इसको ऐसे करना, इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये सारी इच्छाएं परमात्मा कहते हैं इन इच्छाओं के साथ में नहीं शरीर छोड़ना है। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, कि सारी इच्छाएं परमात्मा के ऊपर हो और सारी इच्छाएं हमारी हमारी आत्मा के साथ ही हो। हम अपनी आत्मा के साथ ही खुश रहें, बल्कि हम अपने साथ ही खुश रहें, हम चीजों और आगे कुछ हो फल मिले मुझे मेरे कर्मों का, उनके साथ हम खुश ना हो तो मौजों में खुशी खुशी कर्म कर पाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों होगा, किसने किया, इन चीजों में तभी जाते हैं जब हमारी इच्छाएं स्व के लिए हो जाती हैं, सेल्फिशनेस। तो परमात्मा कहते हैं यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है, मतलब एक की तरफ मन को मना करके भगवान की तरफ लगाया है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा। अगर डिटैच होकर के कर्म करेंगे, अगर हम बहुत ही उदास हो जाते हैं, कर्म किया फल की इच्छा रखी और वो पूरा ना हुआ, वो डिटैच होकर कर्म नहीं किया, इसलिए परमात्मा कहते हैं एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा। कि हाँ मुझे किसी भी चीज से मेरापन नहीं है, मेरा नाम आए, मेरे को आगे किया जाए, मैंने स्टार्ट किया तो लोग बोले बहुत अच्छा किया, ये चीज अगर है और ये हो जाए कि मेरे ऊपर ही निर्भर है हर कोई, तो फिर दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तो सोच चलेगी क्या होगा कैसे होगा, तो इसका मतलब एवरेडी नहीं है, धागे हैं वहां पर अभी भी, सूक्ष्म धागे हैं। तो सहयोग कैसे मिलेगा, आप घबराहट की वाइब्रेशन फैलाओगे तो घबराहट ही और फैलेगी। सफलता भी मिलेगी जब हम एवरेडी को कर्म करें कि आज मैं ना हूं तब भी ये सेवा आगे बढ़ती चले। कितनी बड़ी बात है, क्या हम हर कार्य, घर का कार्य, ऑफिस का कार्य, बिजनेस का कार्य, कोई भी कार्य हो, क्या हम इस वृत्ति से, इस एटीट्यूड से करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर हम हर चीज गड़बड़ कर रहे हैं, वो कर्म सफल नहीं होते हैं। इसको और समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर के इससे मिल सकोर्स करें और आस्ते आस्ते इस विद्या को लें और विजडम को लें। इसके साथ ओम शांति।